हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए जी, एक नए ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। ये है मंगलवार और बुधवार का मिक्स ब्लॉग रहने वाला है। अभी रात के बज रहे हैं 8:30, तो 8:30 बजे से आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है। और यहाँ पर मेरा डिनर बन चुका है, उसके बाद मैं नहा गई थी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पढ़ाई हो रही है तुम्हारी। ये जितना फैला हुआ है ना बेटा, साफ कर देना, ठीक है? वाह वाह, चलो जी, खाना बस बन चुका है। दाल में तड़का लगा दूं बस। तो चलिए जी, आ गई हूँ किचन में और नहा के बड़ा फ्रेश फील हो रहा है। और आजकल गर्मी इतनी हो गई है ना बाहर, मतलब जितनी बारिश हो उतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो खाना बनाते बनाते इतना पसीना हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद मैं नहा गई थी डिनर बना के। और यहाँ पे मैं दाल को ना एक बारी तड़का लगा के चली गई थी, और अभी जो है एक और तड़का लगाऊंगी ऊपर से जो लगेगा। और आज जो है ना डिनर में बने हैं दाल चावल और सब्जी बनाई है साथ में मैंने करेले की। और मैंने रोटी इनको पूछी थी, लेकिन इन्होंने रोटी मना कर दिया, क्योंकि ना आज दिन में हमारे चावल नहीं बने, तो फिर रात को तो चावल बनने ही बनने थे, क्योंकि हमारे उसमें ना चावल बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। बच्चे तो बहुत चावल के मतलब दीवाने हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ऊपर से जो तड़का लगाया जाता है ना, वो तो हाथों हाथ लगाया जाता है, तो ही अच्छा लगता है। तो बस मैंने कहा नहा के आऊँगी फिर ये तड़का लगाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैंने एक चम्मच घी डाला है, साथ में जीरा डाला है, और कुछ लहसुन की कलियाँ मैंने लंबी लंबी चॉप कर ली थी, और यहाँ पर दो लाल मिर्ची, और साथ में बाद में मैंने हींग डाल दिया है। इसको अच्छे से करने के बाद यहाँ पर तड़का जाएगा दाल के ऊपर। तो जो ये ऊपर से तड़का लगता है ना, इससे दाल बड़ी टेस्टी बन जाती है। दाल तड़का बना के तैयार कर दिया है मैंने। उसके बाद हस्बैंड ने कहा है कि आटा है तो दो रोटी बना दो मिले, क्योंकि सब्जी भी बनी हुई थी, तो उनको जो है सब्जी रोटी दाल चावल इस तरीके से हो जाएगा। तो बस मैंने कहा तो पहले ही कह देते, तो मैं रोटी बना के पहले ही चली जाती, क्योंकि मेरा ये था कि बस जो है मैं नहाने के बाद से दाल पर ऊपर से वो तड़का ही लगाऊंगी, क्योंकि फिर से मैं ना किचन में पसीने से गीला नहीं होना चाहती थी। लेकिन वही है, फिर मैंने फटाफट से यहाँ पर दो रोटियाँ बना दी थी। तो बस यहाँ पर फटाफट से बनाऊँगी दो रोटियाँ, क्योंकि आटा ना सुबह का पड़ा हुआ था, तो बस उसी से मैंने दो रोटियां निकाल दी। और रोटियां जब फुली फुली बनती है ना, तो बस रोटियों की तरह जो है हमारा मन भी खुशी से फूल जाता है। तो बस इसके बाद मैंने दो रोटियां ही बनानी थी। इसके बाद मैंने यहाँ पे जितना भी ये है इसको उठा लूँगी हाथ के हाथ। और इतना रोटी बनाते बनाते जो है बच्चों के पापा चले गए थे नीचे पापा जी को मिलने के लिए, क्योंकि उनकी दिन में ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही थी, पेट में दर्द हो रहा था। तो बस उनको अभी पता चला, तो वो सीधा नीचे गए हैं मिलने के लिए। उन्होंने कहा तब तक तो रोटियाँ बना, मैं आता हूँ मिल के। तो बस उन्होंने थोड़ा सा 5-10 मिनट वहाँ पर नीचे बैठे रहे होंगे, और इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने रोटियों पे लगा दी है घी, और दे दूंगी मैं बच्चों को, क्योंकि टाइम भी लगभग 9:15 बजे के आसपास का हो गया था। हमारा खाना मतलब लगभग 8 से 8:30 बजे तक हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों को खाना दे दिया था, वो बच्चे खाना खा रहे हैं बाहर में। और बाकी अभी जितने भी बर्तन हुए हैं इनको मैं लगा मतलब धो लूँगी हाथ के हाथ। तो यहाँ पर जो ये कुकर है ना, सॉरी, इसमें मैंने दाल बॉयल करी थी, तो बस दाल जो होती है ना, जैसे अरहर की दाल, इस तरीके की मूँग की दाल ही होती है, तो ये ना सीटी वगैरह में बहुत ज़्यादा फंस जाती है, क्योंकि एकदम से गल जाती है ना ये दालें। तो बस यहाँ पे इसको भी मैंने अच्छे से ब्रश से साफ़ कर लिया है, सीटी को भी और कुकर के ढक्कन को भी। तो बस यहाँ पे जितने भी बर्तन हुए हैं इनको फटाफट से निकाल लूँगी, क्योंकि ताकि जो है ना आगे के लिए जब डिनर के बर्तन होंगे तो थोड़े से बर्तन मेरे लिए ही कम रहें। बस यहाँ पे जो है हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो अब मैं लगाऊंगी इनकी थाली।
तो अरहर की दाल है जो कि बड़ी टेस्टी दिख रही है और मैंने इस पे मेहनत भी करी है आज, क्योंकि मैंने इस पे ना डबल तड़का लगाया है। बेसिकली जो है मैं सिंगल तड़का ही लगाती हूँ, कभी कभी जैसे कुछ अलग सा विशेष बनाने का मन करता है ना, तो तब मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। तो चलिए जी, बच्चे तो खा ही रहे हैं बाहर में, तो इनकी थाली लेके भी चलते हैं। और मेरा मन करता है कि जितने शौक से मैं खाना बनाती हूँ ना, उतने शौक से ये लोग खाएं भी और थोड़ा सा ना तारीफ भी कर दे, तो मतलब दिल खुश हो जाता है ना। तो बस यहाँ पे मैंने इनसे पूछा था तो सभी को बहुत पसंद आई दाल, लेकिन इन्होंने वीडियो के आगे किसी ने कुछ नहीं बोला। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं लगाऊंगी अब अपनी थाली, इन लोगों को दे दिया है, आराम से मज़े से इंजॉय कर रहे हैं। तो कभी कभी जो है ना कुछ अच्छा सा बना के भी खिला देना चाहिए फैमिली को, क्योंकि चीज़ें वही है सारी चीज़ें, बस बनाने का तरीका चेंज हुआ है और उससे जो है स्वाद में बड़ा चेंज आ गया है। और खुशी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये दाल जो है फर्स्ट टाइम बनी है। तो चलिए जी, दोस्तों मैंने अपनी भी थाली लगा दी है और सबको दाल बहुत पसंद आ रही है। मैंने इसमें डबल तड़का लगाया है इसलिए ये बहुत टेस्टी हो रही है। कभी आप कहेंगे तो मैं रेसिपी शेयर करूँ। मस्त अरहर की दाल, चावल साथ में करेले की सब्जी और आम का चार भी लेंगे और साथ में प्याज। चलो तो चलिए जी, आज का डिनर बड़ा ही टेस्टी था, मतलब मज़ा आ गया खा के। और दाल तो थी, साथ में जो है करेले और प्याज की सब्ज़ी थी ना, करेला प्याज, तो वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है बचपन से ही। तो चलिए जी, यहाँ पे ना अब किचन को मैंने समेट भी लिया है और बर्तन भी धुल चुके हैं, बस अब रह जाता है लास्ट का काम, किचन को साफ करना है। तो अच्छे से साफ़ करूँगी गैस को, क्योंकि जब मैंने दाल पर तड़का लगाया था तो आज जो है गैस के ऊपर भी दाल जो है उछली है, और साथ में जो पीछे की दीवार है ना, टाइल्स वगैरह, यहाँ पर भी दाल के छींटे गए हैं। तो सारा कुछ जो है ना अभी हाथ के हाथ अच्छे से साफ़ कर लूँगी, फिर ये दाग ऐसे पड़े रहेंगे, फिर रात को जो है मक्खी मच्छर कॉकरोच वगैरह जो भी होते हैं ना, ऐसी गंदगी जो हम छोड़ देते हैं ना किचन में, तभी जाके जो है आते हैं। वैसे मेरे किचन में कॉकरोच छिपकली वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये मैंने छिपकली भी नहीं आती है, मतलब कॉकरोच तो है ही नहीं घर में खैर, लेकिन छिपकली भी मैंने नहीं देखी। हाँ, छिपकली थोड़ा सा लिविंग रूम या फिर बाहर जो बालकनी है वहाँ ज़रूर दिख जाती है। तो बस यहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद बच्चों के लिए दूध बनाऊंगी। तो खुशी आज दूध नहीं ले रही है, क्योंकि उसने दाल चावल कुछ ज़्यादा ही खा लिए, तो सुबह नाश्ते में लेगी। तो बस यहाँ पे जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक जो है एक एक हाथ में जो यहाँ पे कंटेनर्स वगैरह रखे रहते हैं, इन पे भी हाथ मार लूँगी, फिर ना ये काम थोड़ा सा आसान हो जाता है सुबह के टाइम के लिए। सुबह फिर सब कुछ साफ़ सुथरा रहता है, तो फिर सुबह एक तो काम भी हमें बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये जो है रात को ही इस तरीके से हम एक एक हाथ मार लेते हैं ना, तो फिर सही रहता है, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं। तो बस यहाँ पर दूध बना के वैसों को दे दूँगी, और साथ में जो जिसमें मैंने दूध गर्म किया था उसको हाथ के हाथ में धो के यहाँ पे रख दूँगी। तो बर्तन भी सारे धुल चुके हैं, तो ये जो बर्तन है टोकरे में लगाए हुए, ये मैं सुबह के टाइम पे लगाऊंगी, क्योंकि अभी ये गीले। तो सिंक को तो मैंने अच्छे से जब बर्तन धोए थे तभी जो है साबुन से मांझ लिया था, बस अब जो है लास्ट में इसको मैं कपड़े से अच्छे से पोंछ के सुखा लूँगी। तो अब जो है बर्तन भी नहीं धुलेंगे, लास्ट का जो बर्तन था वो भी धुल चुका है, तो इसलिए बस अब यहाँ पे अच्छे से चीज़ों को पोंछ के, जितना भी पानी है थोड़ा बहुत, वो सारी चीज़ें अच्छे से सुखा के तब जाके जो है यहाँ पे मेरी सफाई हो जाती है कंप्लीट। बस फर्श पे भी नीचे पोछा लगा दिया था किचन में, अब चलेंगे जी छत पे। 15 से 20 मिनट डेली वॉक करके आते हैं खाना खाने के बाद, तो मतलब खाना खाने के बाद से लेकर बर्तन धोने तक का जो टाइम होता है आधा पौना घंटा मुझे यहाँ पे किचन में लगता है, उसके बाद हम वॉक करते हैं। तो वॉक करने के बाद नींद बड़ी अच्छी आती है। तो चलिए जी, अब मिल रहे हैं अब जी नेक्स्ट मॉर्निंग, बुधवार की सुबह है और आज जो है ना बच्चों की छुट्टी है, आज कुछ था शायद मुहर्रम वगैरह कुछ था तो उसकी छुट्टी थी। तो बस यहाँ पे ना सुबह का साफ़ सफाई हो चुका है और नहाना धोना पूजा पाठ मैंने कर लिया है, इसके बाद खुशी को जो है हेयर वॉश करना था, तो मैंने कहा चलो तुम्हारी हेयर ऑयलिंग कर देती हूँ पहले, उसके बाद जो है किचन, अभी नाश्ता नहीं बनाया है बच्चों के लिए, तो बस उसके बाद सीधा नाश्ता ही बनेगा। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 बजे का, तो बस यहाँ पे अच्छे से बालों पे तेल लगा दूँगी। हेयर ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है बाल धोने से पहले बच्चों की स्पेशली, क्योंकि आजकल के एक तो लाइफस्टाइल भी बहुत गड़बड़ा गई है, और ऊपर से ना बच्चे तेल वगैरह लगाने के लिए बहुत आनाकानी करते हैं। तो जब भी बाल धोने होते हैं तो मैं बच्चों के, इनके पापा के और खुद का भी जो है अच्छे से हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ। तो एक जो है घर पे ही मैंने तेल बना के रखा हुआ है, जिससे जो है सबकी मैं हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने बालों पे और बालों की लेंथ पे भी तेल को अच्छे से लगा के अब जो है यहाँ पे जूड़ा बना दिया है, और अब जो है बनाएंगे हम नाश्ता। तो आज बच्चों की छुट्टी है ना, तो बस मन कर रहा है कि कुछ स्पेशल सा नाश्ता जो है बच्चों को बना के खिलाया जाए, और बच्चे भी कह रहे हैं कि कुछ आज स्पेशल बनाओ। तो बस मैंने तो सोचा था कि मैं इनको जो है सूजी के चीले वगैरह बना के दूंगी, लेकिन बच्चों ने बोला कि नहीं आज हमें जो है आलू सैंडविच खानी है। तो बस यहाँ पे फटाफट
फटाफट से ब्रेड मंगाई और मैंने आलू बॉयल करने पहले ही रख दिए थे। और यहाँ पे आलू बॉयल होके जो है खुशी ने उनको मैश भी कर लिया है। और यहाँ पे मैंने दो प्याज ली हैं, उनको मैं अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया है। और इस तरीके का जब नाश्ता होता है, जैसे सैंडविच हो गया, पास्ता, मैक्रोनी, इस तरीके के जो होते हैं ना, इसमें खुशी को बड़ा इंटरेस्ट आता है बनाने में, तो वो ही ज़्यादातर जो है इन चीज़ों को बनाती है। तो आलू को अच्छे से मैश करने के बाद उसमें प्याज भी डाल दिया है, और साथ में जो है चाट मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और काला नमक और थोड़ा सा वाइट नमक, ये सब ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो सैंडविच वगैरह में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंग्रेडिएंट होता है वो हमारे पास नहीं था, टोमेटो सॉस। तो बस उसकी जगह में मैंने जो है तंदूरी मायो, एक पे तंदूरी मायो लगा दी है, दूसरे पे वेज मायो लगा दिए। इसके बाद जो पेठी बना के रखी है आलू की, उसको मैं इसमें खूब अच्छे से भर के दबा दबा के भर दूंगी, क्योंकि खूब भरा भरा रहे ना तभी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे इसको इस तरीके से मैं भरती जा रही हूँ, और उधर की साइड जो है खुशी इनको तवे पे सेकती जा रही है। तो बस आज जो है ना दोनों माँ बेटी ने मिलके जो है आज का नाश्ता तैयार कर लिया है। और इस तरीके से मिलजुल के काम करते हैं ना तो फटाफट से हो भी जाता है, और पता भी नहीं चलता कि कब क्या हो गया, मतलब दोनों ने मिलके ही किसी ने कुछ कर दिया किसी ने कुछ कर दिया, तो इस तरीके से। तो बस यहाँ एक मैंने सेजवान चटनी वाला भी बना दिया है अपने लिए, क्योंकि इसमें मिर्ची ज़्यादा होती है तो मैं ही खाऊंगी। तो बस इधर खुशी जो है घी के साथ इनको सेकती जा रही है। यहाँ पे आलू सैंडविच बनके तैयार हो चुके हैं आज का ब्रेकफास्ट। आप भी आइए मेरे साथ, एंजॉय कीजिए। तो चलिए जी, यहाँ पे गर्मा गर्म आलू सैंडविच बनके तैयार हो चुके हैं। बच्चे बाहर में बैठ के खा रहे हैं अपना आराम से, और मैं अभी करूँगी क्योंकि मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है, क्योंकि बिना चाय के ना नाश्ता करने में मज़ा नहीं आता। मतलब दिन भर में मुझे चाय मिले ना मिले, लेकिन नाश्ते के टाइम पर एक चाय तो चाहिए ही चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने दूध से मलाई निकाल के और उसी का पतीला खाली करके उसी में जो है चाय बना दी है, ताकि पतीला भी धुल जाए और चाय भी मेरी बन के तैयार हो जाए। तो सारे काम करने के बाद नाश्ता करने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए जी, आप भी आइए हमारे साथ, एंजॉय कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अंदर के कामों से फारिग होने के बाद आ गई हूँ बाहर। तो बाहर आज मुझे करनी है बालकनी की धुलाई बहुत अच्छे से। तो अभी टाइम कोई यही 10:45 या 11 बजे का हो रहा है, जबकि मैं बाहर आई हूँ अंदर से सारे काम निपटा के, मतलब बर्तन धो के। किचन तो मैंने पहले साफ़ कर ली थी, बर्तन धोए हैं मैंने, और उसके बाद ना सैंडविच वगैरह इस तरीके की चीज़ें बनती है ना, वैसे तो बनाने में आसान होता है, लेकिन बर्तन ना बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं छुटपुट से। तो बस उनको धो के अब आ गई हूँ बाहर। और जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है, चाहे तुम कितनी भी जल्दी कर लो, काम निपटाने की हो ही नहीं सकता, मतलब कुछ ना कुछ लगे रहते हैं छोटे बड़े काम हमारे। तो बस जो है अब मैंने बालकनी की धुलाई करनी है। तो मिट्टी देख रहे होंगे आप, जैसे बारिश वगैरह होती है ना, तो बस ये गमलों से जो मिट्टी निकलती है वही है ये। तो बस इसको मैं आजकल तो खैर धूल वगैरह की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, धूल वगैरह आ नहीं रही है क्योंकि धूल सब दब चुकी है। तो बस आजकल थोड़ा सा ये भी है कि ज़्यादा साफ़ सफाई तो करनी पड़ जाती है जब बारिश होती है, लेकिन बारिश नहीं होती ना, जैसे मैं यहाँ पे बालकनी को अच्छे से धो लूँगी तो 2-3 दिन तक भी मैं यहाँ पे धुलाई या झाड़ू भी नहीं लगाऊंगी ना, तो भी ये बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, बिल्कुल भी धूल नहीं आती है। तो बस यहाँ पे अच्छे से जो है मैं धुलाई कर दूंगी पानी से, और उसके बाद जो है वाइपर से इसको साफ़ कर लूँगी। जिस दिन भी मैं यहाँ पे धुलाई करती हूँ 2-3 दिन में, तो ये वॉश बेसिन को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। वॉश बेसिन मैंने पहले भी बहुत बारी बताया, ये वॉश बेसिन यूज़ नहीं होता है, बस यहाँ पे थोड़े से कभी मेरे पूजा के बर्तन वगैरह जो होते हैं, या फिर मतलब इस तरीके के जो होते हैं ना साफ़ सफाई वाले जिसमें ज़्यादा रहता है, वो मैं इधर कभी धो लेती हूँ। तो चलिए जी, धुलाई करने के बाद मैंने वाइपर से भी इसको पानी अच्छे से पोंछ लिया है, और उसके बाद वाइपर में ही पोछे का कपड़ा डाल के अब पोछे के कपड़े से मैं इसको अच्छे से सुखा लूँगी, क्योंकि गर्मी में तो जल्दी सूख जाता है लेकिन बरसात के मौसम में थोड़ा लेट सूखता है, तो बस ये फटाफट से सूख भी जाएगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी है, यहाँ पर जो ये प्लांट था मैंने यहाँ पे कोने पे रख दिया है यहाँ पे, और इधर जो है, और ये वाला जो अभी लगाया है हमने बेम्बू प्लांट, ये मैंने यहाँ पे रख दिया है दरवाजे के पास, और ये जो मनी प्लांट है इसको थोड़ा सा मैंने उधर को खिसका दिया है। और अभी देखिए मैंने कपड़े से भी किया लेकिन गीला ही है। तो बस साफ़ सुथरा हो चुका है सारा कुछ, और काम यहाँ पे मेरे होते हैं कंप्लीट जी।
तो चलिए जी, काम नाइट में हो या रात में हो, सारे ही साफ सफाई के साथ करती हूँ। तो ये था मेरा नाइट से लेकर मॉर्निंग तक का रूटीन, कैसा लगा आपको? वीडियो अगर पसंद आई हो ना थोड़ी सी भी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा।